खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राजेंद्र चौधरी अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति ADJ नंबर 1 नोहर की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर नोहर में किया गया। लोक अदालत के बारे में ADJ राजेंद्र चौधरी ने बताया कि इस लोक अदालत में हमने न्यायालय में लंबित मामले, राजस्व मामले, बैंक वसूली के मामले, चेक अनादरण के मामले, पारिवारिक प्रकरण आदि का चयन किया है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस लोक अदालत का अच्छा नतीजा आएगा। लोक अदालत के बैच के गठन में भार्गवी सांधू तहसीलदार नोहर को शामिल किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 394 मामलों का मौके पर निस्तारण किया, जिनमें 3,90,17,232 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। लोक अदालत द्वारा राजस्व एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों में भी कार्यवाही की गई, जिसमें कुल 5,436 प्रकरणों का निस्तारण करवाया गया। इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तालुका नोहर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमने सिविल कोर्ट्स में लंबित 1294 प्रकरण रेफर किए हैं। इसी की तरह राजस्व न्यायालयों में जो मामले हैं लंबित, उनको भी इस लोक अदालत में रखा है। और बैंकों की वसूली के संबंध में लिटिगेशन प्रकरण भी इसमें रखे हैं। मुख्यतः हमारे न्यायालयों में जो चेक बाउंस से संबंधित मामले हैं वो, और पक्षकारों के बीच में आपसी वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले हैं और भरण पोषण संबंधी मामले हैं, कुछ छोटे प्रकृति के आपराधिक केस होते हैं जो कानून के अनुसार वापस समझौता करवा कर सेटल किए जा सकते हैं। ऐसे प्रकरणों को हमने चिन्हित करके और पिछले काफ़ी समय से प्री काउंसलिंग भी की जा रही है, और लगभग मुझे उम्मीद है कि नोहर न्यायालय परिसर में जो लंबित मामले हैं उनका अच्छा डिस्पोजल होगा और इसमें सभी अधिवक्तागण और पक्षकारान का हमें सहयोग मिल रहा है और आज की लोक अदालत का एक अच्छा रिजल्ट आएगा।